जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये टॉपिक में हम बात करेंगे नॉर्वे के बारे में। सो नॉर्वे आपको मालूम होगा, नॉर्वे एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है नॉर्वे। नॉर्वे में कैसे आपको जॉब मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा इन नॉर्वे, मैं पहले वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर पहले वीडियोज़ अबाउट नॉर्वे देखना चाहते तो हमारे ये इस वीडियो का जो हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर नॉर्वे के बारे में आप देख सकते हैं नॉर्वे का जॉब कैसे मिलेगा। तो फिलहाल नॉर्वे का गवर्नमेंट ने नया अनाउंस किया है, एक न्यूज अनाउंस किया है, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा। तो नॉर्वे में जितने सारे लोग जाकर ओवरस्टे हो गए थे या एसाइलम के लिए अप्लाई किए थे नॉर्वे में, तो उनको 1 अप्रैल 2023 को डिपोर्ट वो करेंगे। ठीक है, तो नॉर्वे में जिन लोगों ने ओवरस्टे हो चुके थे, यानी छुप कर नौकरी करते थे, और दूसरे अलग अलग यूरोपियन कंट्री के थ्रू एंट्री करके नॉर्वे में छुप कर नौकरी करते थे और इलीगली नौकरी करते थे या इलीगली रहते थे, उनको नॉर्वे में पुलिस अभी ढूंढेगा और उनको पकड़ेगा और उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। डिपोर्ट करने से पहले उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका डीएनए टेस्ट के लिए उनका ब्लड टेस्ट भी लिया जाएगा, ब्लड भी लिया जाएगा, ताकि कभी भी वो जो नॉर्वे में जो डिपोर्ट होने वाले लोग हैं, जो कभी भी यूरोप में एंट्री करेंगे, ताकि वो यूरोप का कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी एंट्री पॉइंट में वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए नॉर्वे में एक तो जो एसाइलम के लिए अप्लाई किए थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफ्रीका, एशिया, इंडिया, बहुत सारे कंट्री से लोग जाकर यूरोप में, कनाडा में एसाइलम के लिए अप्लाई किए हैं, ताकि उनका खुद का कंट्री में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो उनको उस कंट्री में वीज़ा दिया जाए, वो रह के वहाँ काम कर सके। तो यह इसको कहा जाता है एसाइलम। तो एसाइलम के लिए जितने सारे लोग अप्लाई किए थे नॉर्वे में, तो जितने सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है, एसाइलम रिजेक्ट हुआ है, तो उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। प्लस नॉर्वे में बहुत सारे इलीगली लोग काम करते हैं, इलीगली रहकर वीज़ा उनका काफ़ी सालों से रिजेक्ट हुआ है, तो इसीलिए नॉर्वे का जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप लिया है, जितने सारे नॉर्वे में एरियाज है, हर एरियाज में वो ढूंढ ढूंढ के, तो जितने सारे लोग इलीगली काम करते हैं उनको ढूंढ के उनको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उनको डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, उनका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के लिए लिया जाएगा, लेने के बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो बाकी ताकि ये लोग कभी भी नॉर्वे के साथ साथ यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री को एंट्री नहीं कर सके। तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन नॉर्वे के लिए। अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं, नॉर्वे जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, तो नॉर्वे में आप इलीगली मत जाइए या एसाइलम के लिए मत अप्लाई करिए, क्योंकि नॉर्वे एक कंट्री है यूरोप में, काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कंट्री है। नॉर्वे ओनली चाहता है ओनली एजुकेटेड लोग, ओनली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग आकर नॉर्वे में रहे और काम करें। तो नॉर्वे में कैसे नौकरी मिलेगा, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन नॉर्वे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो नॉर्वे में जॉब करने के लिए आपको आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में मतलब हो गया आपका, ऑनलाइन में नॉर्वे का बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है, नॉर्वे का बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है, तो जॉब पोर्टल में, जॉब साइट में जाकर रजिस्टर करके आपको जॉब अप्लाई करना है। अगर आप जॉब मिल जाता है इंटरव्यू के बाद, ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाती है, तो फिर नॉर्वे का जो एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देगा, इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह भेजेगा, फिर आप वीज़ा, वर्क परमिट स्टाम्प करके, वर्क परमिट लेकर और आप नॉर्वे में जाकर लीगली काम कर सकते हो। और नॉर्वे में फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप है, उसमें भी जाकर आप नॉर्वे में जॉब ढूंढ सकते हो। ये हो गया ऑनलाइन में। ऑफलाइन हो गया कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा सकते हो, मतलब आप अगर आपके पास रिसोर्सेस है, आप नॉर्वे का वीज़ा आपको मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, तो 30 डेज का वीज़ा मिलता है, 30 दिन का। तो अगर आपके पास सफिशेंट पैसा है, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है, आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन 15-20 लाख का है, फिर नॉर्वे में 30 डेज का वीज़ा में जाकर आप वहाँ पर सिचुएशन देख सकते हो, वहाँ का न्यूज़पेपर में जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में। फिर जब 30 डेज आप नॉर्वे में रहोगे, नॉर्वे में एप्लीकेशन, जॉब अप्लाई करने का टाइम में, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर बुलाता है इंटरव्यू करने के लिए, जब आप नॉर्वे में प्रेजेंट हो, फिर इंटरव्यू में अगर पास करते हो, पास करने के बाद आपको इंडिया रिटर्न आना पड़ता है, फिर आपको आपका एम्प्लॉयर आपको भेजेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑफर लेटर भेजेगा, उसके बाद आप
नॉर्वेजियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करके वर्क परमिट लेकर नॉर्वे में दोबारा जाकर नौकरी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ऑफलाइन तरीका बता दिया। और आपका स्टूडेंट वीज़ा नॉर्वे में, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप नॉर्वे में जाकर अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट मास्टर डिग्री कर सकते हो। करने के बाद आपको वहीं पर जॉब मिल सकता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पढ़ाई करोगे तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हो। तो इजीली नॉर्वे में अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इजीली नॉर्वे में नौकरी मिल सकता है। और अगर आपके पास एज हो गया है, आपका 30 अबव एज हुआ है और आप नॉर्वे में काम करना चाहते हो, तो अगर आपके पास सफिशेंट फंड्स है, पैसा है, तो नॉर्वे में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको अगर ऑफर देते हैं, ऑफर लेटर आता है, एक्सेप्टेंस लेटर आता है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी में एज नॉर्वेजियन लैंग्वेज में, तो आप नॉर्वे में एडमिशन लेकर, आप वीज़ा लेकर, स्टूडेंट वीज़ा 1 साल का वीज़ा मिलता है, फिर नॉर्वे में जाकर आप 1 साल नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखिए। नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के बाद 8-9 महीना जब हो जाता है, 3-4 महीना बाकी रहता है, फिर आप नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, नौकरी अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको फ्लुएंट एटलीस्ट B2 या C1 लेवल तक नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है बोलने को, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है, तो आपको इजीली नॉर्वे में जॉब मिल सकता है। नॉर्वे में एम्प्लॉयर को चाहिए, अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज अच्छा आता है तो आपको इजीली नौकरी मिल सकता है। अगर आपके पास एजुकेशन कम है चलेगा, लेकिन आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको नॉर्वे में नौकरी करना चाहते हैं, लीगली काम करना चाहते हैं, आपको बता दिया, इधर स्टूडेंट वीज़ा में जाकर लैंग्वेज सीखिए, फिर ट्राई कर लीजिए। नहीं तो आप क्या करिए, जॉब जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए। या आपका जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, जैसा बता दिया आपको, आर्मेनिया, अल्बेनिया हो गया, कोसोवो हो गया, बहुत सारे कंट्री जहाँ पर इजीली आपको वीज़ा मिल सके, तो उस कंट्री में जाकर नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखिए। नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा रहेगा, फिर वहीं से आप नॉर्वे का एम्बेसी में वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के बाद नॉर्वे में जाकर जॉब अप्लाई कर लीजिए। ये भी एक तरीका है। अगर आपको इस टाइप का काम कुछ करना है, स्टूडेंट वीज़ा में जाना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मदद करूँगा। हमें बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे व्यूअर लिखते हैं कि जॉब देने के लिए हम कोई जॉब नहीं देते हैं। मैं आपको एडवाइसेस देता हूँ कैसे आपको जॉब मिलेगा इन द फॉरेन कंट्रीज़। मैं कोई जॉब नहीं देता हूँ, हाँ मैं आपको एडवाइस दूंगा, और स्टूडेंट वीज़ा में जाकर कैसे आपको नौकरी मिलेगा मैं एडवाइस कर सकता हूँ। अगर नॉर्वे में आपको काम करना है तो जितने सारे तरीकाज बता दिया, जितने सारे प्रोसीजर बता दिया, वो प्रोसीजर अपनाइए तो आपको इजीली नॉर्वे में जॉब मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिस काइंड ऑफ वीडियोज मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।